बिलाईगढ़ ब्लॉक के पदाधिकारियों की बैठक। शिवसेना प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार के निर्देश पर बिलाईगढ़ ब्लॉक के पदाधिकारियों की बैठक भटगांव विश्राम गृह में नगर अध्यक्ष गगन वैष्णव के नेतृत्व में रखा गया था, जिसमें जिला अध्यक्ष संतोष यदू ने ब्लॉक के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यगण को रायपुर में होने वाले रामनवमी शोभायात्रा कार्यक्रम की तैयारी के बारे में बताया। 4 अप्रैल को राज्य की राजधानी रायपुर के पुल चौक से रामनवमी शोभा यात्रा निकाला जाना है, जिसमें शिवसेना के राष्ट्रीय प्रमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे एवं सांसद धनंजय रावत अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जिसके लिए पूर्व से ही विशेष रूप से तैयारी की जा रही है। प्रतिवर्ष की भांति नगर भटगांव में 13 अप्रैल को रामनवमी शोभा यात्रा निकालने जाना तय किया गया है। वही शिवसेना के जिला अध्यक्ष संतोष यदू ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि राष्ट्रीय प्रमुख के आने की खबर से सभी शिवसैनिक भारी उत्साहित हैं एवं बलौदाबाजार जिले के गांव-गांव से शिवसैनिक हजारों की संख्या में राजधानी पहुंचकर प्रमुख जी का स्वागत करेंगे, जिनके बाद जिले के सभी नगर व ब्लॉक में भी रामनवमी शोभा यात्रा निकाला जाना है। यज्ञ की तैयारी जोरों पर है, सभी शिवसैनिक अभी से जुट गए हैं। आज की बैठक के बारे में बताएंगे। आज जो बैठक रही सब है, ये बिलाईगढ़ ब्लॉक की बैठक है शिवसेना के, और बिलाईगढ़ ब्लॉक के जतक भी गांव है भाई जिन पड़ते बिलाईगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत और जो नगर है भाई, ये सबो के प्रमुख पदाधिकारी और कुछ कार्यकर्ता भी आए है भाई। एम प्रमुख रूप से आज चर्चा हुई कि 4 तारीख के जो 4 अप्रैल के जो रामनवमी शोभा यात्रा कार्यक्रम है हमारे प्रदेश में जो होना है, जब हमारे राष्ट्रीय प्रमुख माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी आवत है भाई, ओकर लिए हमन आज विशेष चर्चा करें कि गांव-गांव में हमन लोगों ला बताना है कि रायपुर में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमला वहां पहुंचना है और पहुंच करके वहां रामनवमी जो शोभा यात्रा है भगवान श्री रामचंद्र जी के, जिला प्रतिवर्ष हमन मनावत आवत हमन जिन शुरुआत शिवसेना करे से उस परंपरा ला हमन हमला आगे बढ़ाना है। एकर लिए आज तैयारी पर बात करेगी इसे कि 4 तारीख के रामनवमी शोभा यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमला रायपुर जाना है, क्योंकि चीज़ हम लोग विचार करना है और हरेक आदमी ला अधिकार है कि जनहित के लिए अपन काम कर सकत हन और जनहित के काम करते हुए अपन लग का है प्रूफ करना है अपन आप लोग जी, अब अपन आगे बढ़ना है कि नहीं भाई। जितना जिन बैठे हैं कोई पैसा वाला नो हन कि पैसा के दम में ऐसे कर देव ऐसे कर देव ऐसे हुई, हमन मेहनत कर सकत हन, सही बात है नहीं, मेहनत कर सकत हन सब जिन मिडिल फैमिली वाला हन, कोई बहुत बड़े मतलब रहीस नो हन है कि नहीं, सब जिन गरीब किसान हन खेती किसानी छोट मोट दुकानदारी है ना बिजनेस कैसे करने वाला है, तो हमन ला यही पार्टी में रही के काम करना चाहिए और काम करके जनता के सेवा करना चाहिए। जिन दिन जनता ला समझ में आ जाए कि वाकई में आज इवन सेवा करत है, अमन ला मौका मिलना है, वो दिन मौका मिल जाए।